हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय माता दी। कैसे हो आप? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, भले चंगे होंगे, अपने अपने घर में होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मेरी तरफ से आप सभी को विजयादशमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी करे आप लोग की ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियां हो, ढेर सारी मतलब जो भी आप चाहें वो आपका पूरा हो और साथ में मेरा भी पूरा हो। तो अभी देखिए, मैंने रुपेश के लिए आटे का हलवा बना दिया है। इधर मैं सूरन को फ्राई कर रही हूँ, फ्राई नहीं, बस सौते कर रही हूँ हल्का सा। और आज घर में लगा है काम, क्योंकि दिवाली आने वाली है। तो अभी हमारे घर में पीओपी नहीं हुआ था और ना ही पुट्टी हुआ था, बट वाइट वॉश हुआ था, तो आज वही काम लगा है। और फिर मैं किचन में आ जाती हूँ और इधर देखिए तेल मैंने गर्म होने को रख दिया है। आधा चम्मच जीरा और 2 तेज़पत्ता डाल दिया है। फिर मैं इसमें बस 5-6 कली लहसुन की डालूंगी। और इधर मैंने प्याज कट कर लिया, हरी मिर्च और लाल मिर्च, सूखी लाल मिर्च है, इसे डाल दूंगी। और फिर आधा चम्मच मैं नमक डाल दूंगी इसमें, आधा चम्मच से थोड़ा ज़्यादा। और इसे मिक्स करके अच्छे से कवर करके इसे मैं छोड़ दूंगी गलने के लिए। फ्रेंड्स, इसे हमें लाल नहीं करना है, सिर्फ इसे गलाना है। तो इधर देखिए मैं सूरन को भी मतलब चला रही हूँ और इधर देखिए लो फ्लेम पर मैंने प्याज को छोड़ दिया है गलने के लिए। और ये गाय की रोटी है, गाय को छबी गई अभी आएगी ना, छबी तो ले जाएगी, गाय को डाल देगी खाने के लिए। और फ्रेंड्स, मैंने सिंक के सारे बर्तन धुल लिए हैं। मैं थोड़ी थोड़ी बर्तन होते धुलती रहती हूँ, इसलिए मेरा सिंक कभी फुल नहीं होता है। कभी कभी हो जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, कभी हो भी जाता है। तो यहाँ मैं पूड़ियाँ तल लेती हूँ, क्योंकि रुपेश बोल रहा था मुझे आटे के हलवे के साथ पूड़ी मम्मी निकाल दीजिए, तो मैं वही निकाल रही थी। और यहाँ देखिए प्याज जो है कितने अच्छी तरीके से गल गया है। अब मैं इसमें सूरन डाल दूँगी और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर दूँगी। फिर मैं इसमें नमक और हल्दी और ये लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च है, तो ये मैं डाल के अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी इसे। और अभी तो लगभग सूरन जो है ना वो पक ही गया था, बस थोड़ा सा और मुझे पकाना था और भूनने के लिए छोड़ दूँगी। और अभी मैं इसमें गरम मसाला भी डाल देती हूँ 1 चम्मच भर के। तो अभी देखिए सूरन का कलर कितना प्यारा सब्ज़ी का कलर लग रहा है फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी बना था। अब मैं चेक कर रही थी, सूरन पक गया था। और अब मैं जितना मतलब आपके घर में सदस्य हूँ उस हिसाब से आप पानी डाल लीजिएगा। तो मुझे जितना ज़रूरत था मैंने 1.5 गिलास पानी डाल दिया है। अब सीटी लगने के लिए इसे छोड़ देती हूँ। वैसे तो सूरन पक ही गया था, बस मैंने हाई फ्लेम पे छोड़ दिया है। 2 से 3 सीटी आने तक मैं उसके बाद बंद कर दूँगी गैस को। और यहाँ रोटी भी मैं सेक लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, मेरे पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी, क्योंकि मैं सुबह से लेकर शाम तक मतलब खाना बनाने के बाद ना मैं बाहर ही खड़ी थी, जो लोग लगे हुए थे काम करने के लिए उन्हीं को देख रही थी। और सच में कभी कभी मन करता है कि YouTube का काम छोड़ दूं, क्योंकि बहुत थकान हो जाती है YouTube का काम करने में। तो फिर सोचती हूं कि चलो कोई बात नहीं, लगी हूं, देखती हूं क्या होता है। तो अभी देखिए डिज़ाइन जो भैया थे ना, वो डिज़ाइन कुछ इस तरीके से कट कर रहे थे। और 3 सीटी आने के बाद मैंने गैस को ऑफ कर दिया था। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग कैसा लगा? अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि न्यू वीडियो के न्यू नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और यहाँ देखिए जो यहाँ पे नल लगा हुआ था और डायरेक्ट समरसेबल का पाइप था ना, उसे मैं गेट के पास करवा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत गंदगी हो जाती है, बच्चे अगर खोल देते हैं नल तो वो भी काम लगा था। आज ही भैया भी आ गए थे और यहाँ अंदर तो जो लगा था वो लगा ही था खैर, पर आज हम खाली हो गए थे, सारे काम हो गए थे। तो यहाँ देखिए घर कितना अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है, और इतना अस्त व्यस्त घर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, पर काम लगा है तो भाई अस्त व्यस्त तो घर रहेगा ही रहेगा। तो शाम होते होते मैंने सारा क्लीनिंग कर दिया। वैसे तो भैया ने जो POP का जितना काम किए थे, जितना कचरा था वो सारा कचरा साफ़ कर दिए थे। उनके जाने के बाद मैं आपको दिखाऊँगी कितना कचरा था। और ये देखिए फ्रेंड्स फाइनल लुक POP के डिज़ाइन का, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। और ये देखिए घर कितना गंदा हुआ है, बस बाहर का ये रिंग बना लेंगे तो भैया लोग चले जाएंगे, फिर मैं सफाई शुरू कर दूंगी घर का। फ्रेंड्स, अगर घर में कोई एक्स्ट्रा काम होता है ना तो हम हाउसवाइफ का डबल काम बढ़ जाता है, और यूट्यूबर जो हैं हाउसवाइफ उनका ट्रिपल काम हो जाता है, क्योंकि 3 काम एक साथ मैनेज करना पड़ता है। और मैं सच में बहुत ज़्यादा थक गई थी,
मुझे शाम तक ऐसा लग रहा था ना कि मुझे कुछ फीवर टाइप का लग रहा था, बट मैं जल्दी जल्दी दवाई खा के सो भी गई खाना वगैरह बना के। तो ये देखिए बाहर का कुछ इस तरीके से दिख रहा था। अभी सब लोग चले गए हैं, मैंने घर भी क्लीनिंग कर लिया है। लास्ट में मैंने थोड़ा सा ही क्लिप लिया क्योंकि हिम्मत नहीं कर रहा था शूट करने का वीडियो ना, इसलिए। तो ये देखिए लाइट जलने के बाद कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो आज का ब्लॉग यहीं तक है, बाय बाय फ्रेंड्स।